आए हैं मथुरा में और करुणा तभी आती है कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन की याद आती है। और कथा ये है, भगवान श्री कृष्ण के आंखों के आंसुओं को देख करके और उनके मित्र उद्धव ने प्रश्न कर दिया। उद्धव ने कहा, गोविंद आपकी आंखों में आंसू है? प्रभु ने कहा, उद्धव ये आंसू नहीं है, तो क्या है ये? बोले सुनो, बोले आई है लहर आय ये सिंधु में ते बहे बही आखिर में आंसू बन छाई है, छाई है उदासी श्याम ब्रज के संदेश बिना मैया के माखन की न कीमत चुकाई है, काई मन मुकुर की मिटावन दवाई है, भोरे ब्रजवासिन की पदरज बताई है, ताई है वियोग में वियोगिन ब्रजभानुवारी, सत्य कहूं सखा आज मोहे मुझे मेरी माँ, मुझे मेरे बाबा, मुझे श्री राधा की याद आ रही है। गोविंद आपकी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, मैं वृंदावन जाकर के उपदेश दूंगा। उद्धव तो जाओ वृंदावन। अच्छा श्याम सुंदर एक बात पूछो, क्या मथुरा में किस चीज की कमी है जो आपको वृंदावन की याद आती है, क्या कारण है बताओ ना जरा। तब गोविंद ने कहा, उद्धव तमन्नाएं ज्यादा थी, क्या छोड़ करके आई हो वृंदावन से, वृंदावन से क्या छोड़ करके आ गए? बोले सुनो, मैं बतलाता हूं क्या छोड़ करके आई। तमन्नाएं ज्यादा थी वहां आसाइशें कम थी, यहां पर तेल नो मन है राधा की याद आ रही है, उद्धव वृंदावन जाओ। अच्छा श्याम सुंदर एक बात पूछे हम आपसे, उद्धव ने प्रश्न किया, प्यारे प्रभु प्रेमियों में आपका ध्यान एकाग्र चाहूंगा, मैं थोड़ी देर इस उद्धव प्रसंग को सुनाना चाहता हूं, जरा एकाग्र होकर के मस्ती लीजिए। माधव यदि ब्रजवासियों का प्रेम आपके प्रति इतना है तो क्या किसी ने आपको रोका नहीं? रोका था, रोका कैसे? बोले गली ने पांव पकड़े, रास्तों ने रोकना चाहा, मगर देते हुए हम सबको झटका छोड़ आए, मगर देते हुए हम सब झटका छोड़वाए। उद्धव मुझे मथुरा में सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, बहुत कष्ट होता है। उद्धव ने पूछा, क्या वृंदावन में भी कष्ट होता था सूर्योदय और सूर्यास्त के समय? बोले ना, तो यहां पर क्यों? हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती है, हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती है, क्यों? बोले काम की शाम निधिवन का सवेरा छोड़ आए हैं, काम की शाम निधिवन का सवेरा छोड़वाही। उद्धव वृंदावन जाओ, उद्धव भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के लिए पत्र दिए, पांच पत्र है, पांच पत्र।
एक माँ को देना, एक बाबा को देना, एक सखाओं को देना, एक सखियों को देना। और अंतिम पत्र खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं। कौन का पत्र है? श्री राधा का। राधा को देना, मूर्छित अवस्था में छोड़ करके राधा को आया हूं, और ये पत्र ले जा करके देना। भगवान ने अपने वस्त्र पहनाए, उद्धव अपने कपड़े पहनकर मत जाओ, मेरे कपड़े पहनकर जाओ। अपना मुकुट, अपना कुंडल गोविंद ने उद्धव को पहनाया। क्यों? अपने मुकुट कुंडल वस्त्र पहन करके जाओगे, ब्रजवासी तुमसे वार्ता नहीं करेंगे। उद्धव पांच पत्र दिए और एक बात कह दी, बहुत गजब बात कही। क्या? ये है प्रेमियों का दिल रखने का तरीका। हाथ पकड़ा, छाती से लगाया, और जब मुंह उद्धव के कान पर पहुंचा तो एक बात कह दी, उद्धव मत कहना ब्रजवासियों से कि तुम्हारा कृष्ण रोता है, मत कहना। अवलग भई जो व्यथा ताहि मत कहियो, और अब जो कहूंगो ताहि नेक भूल जइयो मत। उद्धव तू चतुर है, उत बेहू ब्रजवासी है, उनको रमइयो कहीं उल्टो रम जइयो मत। उनके जोग कहियो श्याम प्रेम ते छोड़ियो, और उन्हें योग सिखे अइयो कहीं वियोगी बन अइयो मति। उद्धव जाओ उनको योग सिखा करके आना, वियोगी बनकर मत आना। उद्धव ने कहा चिंता मत करो कृष्ण, वृंदावन में जाकर के जिस समय में उपदेश करूंगा उस समय गोपियां गोप ब्रजवासी रोना धोना बंद करके नेत्र बंद करके ध्यान करेंगे। उद्धव जाओ जाओ जाओ। ब्रजवासियों की क्या दशा थी? ब्रजवासी रोजाना माँ के कहने से छत पर चढ़ जाते थे, पेड़ पर चढ़ जाते थे, और कुछ ब्रजवासी तो मथुरा की ओर देखते हुए बस सुबह से शाम कर देते थे। बेटा माँ यशोदा कहती थी, जरा देखियो कन्हैया को रथ तो ना आ रहे हो मथुरा ते। सुबह से शाम हो गई, माँ नहीं आया। माँ रोती हुई घर के अंदर आती है, मन में विचार करती है आज नहीं आयो, कह के तो गयो कि मैं आऊंगो पर अभी नहीं आयो। दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय प्रतीक्षा प्राप्त। एक दिन कुछ रथ के आने की आवाज आई, बच्चों ने कहा माँ रथ आ रही है, कुछ आवाज आ रही है, धूल उड़ रही है, मेरो कन्हैया आ रहे होगो, मेरो लाला आ रहे होगो। और अंदर घर में जाकर के गौशाला में गई, पद्मगंधा गाय का दूध सोने के कटोरे में धो करके मिश्री के सर मिलाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। ये है माँ, मथुरा से आएगा उसे दूध पिलाऊंगी, केशर मिश्री का दूध पिलाऊंगी, मने करेगो जिद करके पिवाऊंगी। और खड़ी खड़ी उद्धव का रथ आया, ब्रजवासियों को देख करके रुका। उद्धव उतरे, गोपी गोपों ने उद्धव को दौड़ पड़ के गले लगाया, कन्हैया लाला। लेकिन थोड़ी देर में ब्रजवासियों का ये भ्रम बदल गया, कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं है। दीखता जरूर है कृष्ण का सा, पर कृष्ण नहीं है। क्यों? यदि कृष्ण होता तो जैसे हमने दौड़ करके आलिंगन किया, ये भी तो दौड़ करके हमको पकड़ता, ये भी तो हमारा आलिंगन करता। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उद्धव ने ब्रजवासियों से कहा, मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण नहीं हूं। ये चिट्ठी भेजी है गोविंद ने। ब्रजवासियों ने पत्र खोला, छाती से लगाया, रो पड़े। सोचा था कि भूल गया होगा, लेकिन चिट्ठी लिख करके उसने आज हमें याद किया। उद्धव ने कहा कि मुझे
नंद भवन जाना है, माँ यशोदा से मिलना है, बाबा नंद से मिलना है, हाथ पकड़ा आओ हमारे संग, आओ हमारे संग। और जो लेकर के चले, यशोदा ने कृष्ण को समझ करके उद्धव को देखकर दौड़ी, हाथ से दूध का पात्र नीचे गिर पड़ा, आलिंगन किया, कन्हैया मुझे मालूम हो तू जरूर आयो हो, पर तू अकेलो आयो है, बलराम कहां है, तेरे बड़ो भैया कहां है। उद्धव ने कहा मां मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण का पुत्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। जो कहा उद्धव है, मां यशोदा ने उद्धव के वस्त्रों पर हाथ लगा करके केवल एक बात कही, ऐसे ही कपड़ा मेरो कन्हैया पहन तो, ऐसे ही कानन के कुंडल कुंडलों पर हाथ लगा, ऐसे ही कुंडल मुकुट पर हाथ लगाया, ऐसे ही मुकुट मेरो लाला मेरो कन्हैया पहन तो। उद्धव ने कहा मां मां ये पोशाक उन्हीं की है, ये कुंडल उन्हीं के हैं, ये मुकुट उन्हीं का है मां। और उसके बाद में प्यारे प्रभु प्रेमियों, उद्धव अंदर लेकर के गए, मां यशोदा को हाथ पकड़ा, उद्धव एक बात बता, क्या कन्हैया मेरी याद करे के ना करे, मां याद करता है, और ये चिट्ठी भेजी है, जो कहा चिट्ठी भेजी है। यशोदा ने उद्धव के हाथ से चिट्ठी दे दी, उद्धव ने कहा मैं पढ़ करके सुना दूं,